वेलकम टू आई का मेरा नाम है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कंपैरिजन शेयर करने जा रही हूँ एलजी और सैमसंग के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बीच। दोनों में से आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं लेकर आई हूँ दोस्तों। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें, ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। एलजी और सैमसंग दोनों का ही मॉडल नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, और दोनों ही मशीन जो है वो फ्रंट लोड है और 7 kg की मशीन है। तो एलजी के स्पेशल फीचर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर, हीटर और वाईफाई जैसे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। सिमिलर फीचर आपको सैमसंग में भी मिलते हैं। और जहां तक कंट्रोल कंसोल की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों ही मशीन जो है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, और दोनों का ही मटेरियल स्टेनलेस स्टील का है। अगर हम एलजी के स्पेशल फीचर की बात करेंगे तो इसमें 6 motion control जैसी टेक्नोलॉजी इसमें हमें मिलती है, जिससे कि ये जो कपड़ों का अच्छा केयर करता है, यानी कि फैब्रिक की ये केयर करता है और ये कपड़ों को अल्ट्रा क्लीन करता है। और सैमसंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको डायमंड ड्रम मिलता है, क्योंकि अगेन फैब्रिक कपड़ों की जो फैब्रिक होता है उसका केयर करता है, इसकी वजह से कपड़े जो आपस में उलझते भी नहीं है। दोस्तों एलजी और सैमसंग दोनों में ही आपको ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन मिलता है, जिसकी वजह से अगर आपकी घर की लाइट चली भी जाती है तो ये जहाँ पे मशीन रुकी थी वहीं से लाइट आने पर ये शुरू हो जाती है। दोनों ही मशीन में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस जैसे फीचर मिलता है दोस्तों, जिसमें आप इसे एक ऐप से कनेक्ट करके इसके एरर्स भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। दोनों का यहाँ पे टच पैनल जो है वो वाटरप्रूफ है, और दोनों का ही डिस्प्ले जो यहाँ पे एलईडी डिस्प्ले आपको मिलता है, और चाइल्ड लॉक जैसे फीचर भी दोनों में ही आपको मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब वारंटी की। एलजी में आपको 2 years कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी मिलती है, जबकि सैमसंग में आपको 3 years ऑन प्रोडक्ट और 10 साल की मोटर वारंटी मिलती है। यहाँ पे 1 साल की वारंटी सैमसंग में आपको ज्यादा मिलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइसिंग की। तो एलजी की जो वॉशिंग मशीन है आपको मिल जाती है 37,000 rupees में। जो मैं प्राइसिंग बता रही हूँ वो आफ्टर डिस्काउंट आपको बता रही हूँ, और सैमसंग की वॉशिंग मशीन आपको मिल जाती है 38,900 rupees में, और डिस्काउंट दोस्तों वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑफर्स। दोस्तों अब बढ़ते कंक्लूजन की तरफ, कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए। वैसे दोनों ही मशीन में फीचर जो है वो सिमिलर है, लेकिन अगर हम प्राइस फैक्टर को देखेंगे तो एलजी की जो वॉशिंग मशीन है वो सस्ती पड़ती है हमें एज कम्पेयर टू सैमसंग। प्राइस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप ले सकते हैं एलजी को। दोनों का ही लिंक, एलजी और सैमसंग का दोनों का ही बाइंग लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और आपकी मनपसंद वॉशिंग मशीन आप खरीद सकते हैं। मैंने खास स्टोर बनाया दोस्तों आप लोगों के लिए, अमेजोन स्टोर, इसमें आपको सभी बजट वाली चीजें और अच्छी चीजें वहां पे मिलेंगी, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिलेंगी। तो आप उसका भी लिंक चेक कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे आपको बजट वाले होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सभी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी, ग्रोसरी, इवन ग्रोसरी भी आपको मिल जाएंगी। तो लिंक चेक करना बिल्कुल ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।